Hello friends, in this video session we will understand the cluster drive test methodology and report automation. So let me share my screen here. So जो आपका cluster drive test methodology होगा उसमें आपके तीन steps होंगे. उसमें सबसे पहला जो आपका step है वो pre-cluster drive test preparation है. Drive test शुरू करने से पहले आपको KML बनाना है. GTR आप KML फाइल Google Earth पे बना सकते हो. उसके बाद उसको मैप इन्फो में कन्वर्ट करके DTR को आपको उसका पॉलीगन कट करना है. ये आपका जब आपका ड्राइव टेस्ट कंप्लीट होगा तब ये रिक्वायर्ड आएगा एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट जनरेशन. क्लस्टर्ड सेल फाइल क्रिएशन फॉर पॉकेट, इसका सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और शेयर किया हुआ है कि आपको सेल फाइल कैसे क्रिएट करनी है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, लेट से डीटी ड्राइव कर रहा है उसको आइडिया होना चाहिए कि वो किस साइट पे खड़ा है और वो अभी कितनी डिस्टेंस पे है, सो दैट जो आपका क्लस्टर ड्राइव टेस्ट है वो इफेक्टिवली बेटर होगा. अगर आप सेल फाइल नहीं दोगे तो डीटी को नहीं मालूम चलेगा कि वो कहाँ पे खड़ा है, किस साइट पे ड्राइव कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है, नल जोन में है, पुअर कवरेज में है. और अगर वो सेल्फ फाइल रहेगा तो एटलीस्ट उसको आइडिया रहेगा कि वो सेल्फ साइट के नीचे खड़ा है तो उसको थ्रूपुट अच्छा मिलना चाहिए, बट उसको थ्रूपुट खराब मिल रहा है. वो रियल टाइम पे अपने कोऑर्डिनेटर या लीड्स को इन्फॉर्म कर पाएगा. सो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्लस्टर ड्राइव टेस्ट का. और जो फोर्थ प्री चेक है वो आपका स्क्रिप्ट चेक है. आप शुरू करने से पहले अपनी स्क्रिप्ट को एक बार सभी को 10-15 सेकंड के लिए चला के देख लो. लेट से आपका जो टेस्ट सिनेरियो है मैं आपको स्क्रीन कर रहा हूँ. टेस्ट सिनेरियो में आपके ये दो राउंड होंगे. दो राउंड में, पहले राउंड में डीएल लॉन्ग मोबिलिटी आइडल, यूएल लॉन्ग और डीएल शॉर्ट. तो आप इसको एक बार रन करके चेक कर लो कि ये आपकी स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले प्रॉपर वर्क कर रही है. ऐसा तो नहीं है कि वो बार बार कुछ इश्यू आ रहा है आपको, राइट? तो ये सिनेरियो आप अपने सर्किल स्पोक से कंफर्म करके स्टार्ट कर सकते हो. तो ये प्री चेक्स हैं आपके. एंड क्लस्टर ड्राइव टेस्टिंग में डीटी को इंश्योर करना है कि कोई भी जो पॉकेट सेशन बना रहा है वो यूनिक होना चाहिए, राइट? लेट्स से अगर उसके पास दो हैंडसेट है, UE1 एंड UE2, तो अगर वो सेशन फोल्डर लेट से बिहार में है तो BIH Accord underscore CL001 है. ये सेशन फोल्डर इक्विपमेंट 1 में है और सेम सेशन फोल्डर इक्विपमेंट 2 में भी होना चाहिए, सो दैट जब लॉग फाइल अपलोड हो तो वो जो डेटा सेट क्रिएट हो वो एक ही क्रिएट हो. अगर ये अलग अलग होगा तो आपकी रिपोर्टिंग अलग अलग रिपोर्ट आएगी और आपको बहुत सारी KPI मिसिंग मिलेगी. किसी एक रिपोर्ट में जो लॉग फाइल गई उससे वो KPI आएगी, दूसरी फोल्डर से जो KPI गई है, लॉग फाइल गई है, वो रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट आएगी. तो आप ये इंश्योर करो कि पहले DT ये चेक कर ले कि दोनों का सेशन सेम होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले. एंड देन जो ये सिनेरियो है आपका राउंड 1 राउंड 2, ये आप अपने सर्कल स्पोक से डिस्कस करके, ये हमने जो दिया ये रिकमेंडेशन हमारा रिकमेंडेशन है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो एज पर सर्किल नो सर्किल स्पोक. तो ये आपको राउंड 1 एंड राउंड 2 में ये करना है. एंड देन आपको बेस्ड ऑन जो आपको बोला जाए कि कितनी साइटों पे अटैच करना है, लेट से आपके 10 साइटें हैं तो वहाँ पे 5 पे करना है, 4 में करना है, ये आप डिस्कस करके नंबर ऑफ साइट्स पे करके, ये भी आपको सेम पॉकेट सेशन में ही करना है. इसको ध्यान रखना है. ये आपका जो टेस्ट है ये स्टेशनरी टेस्ट है, ये आपको मोबिलिटी में नहीं करना है. मोबिलिटी में सिर्फ ये राउंड्स करने हैं, बट आपको जो भी एक्टिविटी करनी है वो सेम सेशन फोल्डर में करनी है, सो दैट आपकी जो रिपोर्ट आए वो सभी लॉग्स कंबाइंड होके आए. एंड देन आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट? तो थर्ड जो आपका स्टेप है वो है रिपोर्ट ऑटोमेशन का. ये रिपोर्ट ऑटोमेशन का जो है प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो आपको लॉग फाइल अपलोड करनी है यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है वो आपको ध्यान रखनी है. पहली चीज़ तो आपको फ्रेश अपलोड करनी है. फ्रेश मतलब
कि आपको फील्ड से अपलोड करना है लॉग फाइल, जो फोल्डर अपलोड होगा वो फील्ड से अपलोड होगा। और इसको अपलोड करने से पहले आपको ध्यान रखना है जो आपका सेशन फोल्डर है उसके अंदर आपकी ड्राइव टेस्ट लॉक्स के अलावा दो और चीज़ें होनी है। एक है जो फर्स्ट है वो सेल फाइल है, सेल फाइल में आपको 5G की सेल फाइल और 4G की सेल फाइल, ये दोनों चीज़ होनी है। पहली चीज़ आपकी जो ये है सेल फाइल होगी, सेल फाइल में 5G एंड 4G की सेल फाइल होगी। जो दूसरी चीज़ होगी वो है पॉलीगन, पॉलीगन मैंने आपको बताया था जब आप DTR प्रिपेयर करोगे तभी आप इसको कट कर लो, सो दैट आपको बार बार इसमें मेहनत ना करनी पड़े। पॉलीगन भी इस मैप इन्फो टैब फाइल फॉर्मेट में सेशन फोल्डर के अंदर रहेगा। पॉलीगन, पॉलीगन जो रहेगा वो आपका मैप इन्फो टैब फाइल फॉर्मेट में रहेगा। पॉलीगन कैसे क्रिएट करना मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, और सेल फाइल का फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला तो जैसे ड्राइव टेस्ट कंप्लीट हो वो लॉग फाइल आपको फील्ड से अपलोड करनी है। लॉग फाइल अपलोड करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है उस फोल्डर के अंदर जो आपका सेशन फोल्डर बना हुआ है जिस पे आपकी लॉग फाइल सेव हो रही है फील्ड से, उसमें आपका सेल फाइल 5G एंड 4G और पॉलीगन जो मैप इन्फो टैब फाइल में है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल फाइल का। सेल फाइल जब आप अपलोड करोगे तो इसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। आपको कैसे करना है, आपको जो सेल फाइल होगा उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लस्टर का जो सेल फाइल फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में रहेगा, 1_ फाइल का बता रहा हूँ मैं, फाइल जो रिनेम करोगे आप तो वो इस फॉर्मेट में करोगे, 5G का 1 के नाम से और 4G का 2 के नाम से। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 5G की सेल फाइल है वो 1_5G सेल फाइल, ये फाइल का नेम होना चाहिए, और 4G के लिए आपको ये फाइल नेम होना चाहिए, फाइल नेम। ठीक है, अभी 5G का जो सेल फाइल का जो फॉर्मेट है वो मैंने ये अभी ओपन किया हुआ है 5G सेल फाइल का, इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है। ये जो आपका सेल फाइल का फॉर्मेट है ऑलमोस्ट एक्यूरेट है जो आप 5G SCFT में यूज़ कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है ये, आपका 5G सेल फाइल का फॉर्मेट है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, इसमें आपको सारे आईडी भरना है, सारे आईडी आईवी आईडी भरनी है, सेक्टर नेम, सेक्टर आईवी नेम भरना है, लेट लॉन्ग एजीमुथ PCI साइट नेम, सारे आईडी सर्किल 4G PCI एरप्शन जो भी है ये फिल करना है। ये फिल करने के बाद ये आपको जो फाइल को आपको सेव करना है वो 1_5G सेल फाइल के नाम से सेव करना है। ये आपका 5G का सेल फाइल का फॉर्मेट हो गया, राइट। आपका जो 4G का सेल फाइल का फॉर्मेट है वो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, ये है 2_4G सेल फाइल। इसमें यहाँ पे करना क्या है आपको, आपका जो फॉर्मेट है जो आपके जो हेडिंग लाइंस हैं जो ऊपर हेडिंग्स हैं वो सेम एज 5G है, एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको 5G के ही फॉर्मेट में 4G की डिटेल्स फिल करनी है। लेट से आपको 4G की आईडी फिल करनी है, आईवी आईडी फिल करनी है, सेक्टर नेम फिल करना है, आईवी सेक्टर नेम फिल करना है, लैट लॉन्ग फिल करना है, एजीमुथ 5G PCI आपको ब्लैंक छोड़नी है, 4G सर आईडी आपको भरना है भर सकते हो, सेक्टर नेम साइट नेम भर सकते हो, सर्किल भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4G PCI NRFSN क्लस्टर आईडी, ये चीज़ आपको जो मैंने रेड हाईलाइट किया है इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। अगर आप ये जो चीज़ यहाँ पे ब्लैंक पड़ी हुई है अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट इनमें कोई डिटेल्स फिल ना हो, ये 4, 1, 5 आपके जो कॉलम्स हैं इनमें डिटेल्स फिल ना हो 4G की, राइट। तो आपको ये डिटेल्स 5G के फॉर्मेट में 4G डिटेल्स फिल करनी है, सिर्फ आप
कोशिश करो कि ए से लेकर के जी तक का कॉलम फिल करो और के फिल करो, कितना फिल करना है आपको, और इसको सेव फॉर्म किस फॉर्मेट में करना है आपको, आपको फॉर्मेट में सेव करना है 2 अंडरस्कोर सेल फाइल, 4G सेल फाइल। इसको सेव करने के बाद एक आपका जो हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सेशन फोल्डर अपलोड करने से पहले आपको ये दो फाइल आपको देना है डीटी को, डीटी को देना है ये डीटी, ये अपने लॉक्स फाइल जो सेशन फोल्डर है उसके अंदर ये प्लेस कर देगा, उसके अंदर ही डाल देगा, राइट। सेकंड ऑप्शन है आपका पॉलीगन। अब पॉलीगन कट कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से आपने डीटीआर प्रिपेयर किया, मैंने एक डीटीआर प्रिपेयर किया हुआ था, उसको मैंने गूगल अर्थ का फॉर्मेट था, उसको मैंने मैप इन्फो में कन्वर्ट कर लिया, राइट। मैप इन्फो टाइप फाइल में कन्वर्ट कर लिया। आपने क्यूजीआईएस ओपन करता हूँ, उसको पॉलीगन कट कैसे करना है और सेव कैसे करना है, यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो लेट्स से कि ये क्यूजीआईएस ओपन है, मेरे पास डीटीआर बना हुआ है, पुणे एक एक्स वाई जेड क्लस्टर है, इसको मैंने मैप इन्फो में कन्वर्ट किया हुआ है। अब आपको करना है क्या है, बेसिकली इसको ओपन कर देना है एट लेयर। तो आपका ये डीटीआर आ गया, राइट। एक क्लस्टर है पुणे का CL001 के नाम से, उसका ये डीटीआर है। लेट से अभी हमें करना क्या है, पॉलीगन कट करने के लिए आपको सबसे पहले ये एक सिंबल है जिसपे आपको लिख के आएगा न्यू शेप फाइल लेयर, राइट। इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको फाइल का नाम जो देना है, लेट्स से मैंने कहा कि मेरा ये पुणे का CL001 क्लस्टर है, राइट। फाइल इनकोडिंग में आपको कुछ टच नहीं करना है, ज्योमेट्री टाइप में आपको यहाँ पे पॉलीगन सेलेक्ट करना है, फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको फिल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखोगे लेयर्स में आपके पास एक फोल्डर बन के आ जाएगा, राइट। फोल्डर बन गया। अब हमें करना क्या है, ये मेरा इतना बड़ा क्लस्टर है, ये थोड़ा बड़ा क्लस्टर है, इसको मैं फोर पार्ट में पॉलीगन कट करूंगा। अगर मेरा छोटा क्लस्टर है तो उसको मैं दो पार्ट में कर सकता हूँ, राइट। आप अपने क्लस्टर के साइज के अकॉर्डिंग पॉलीगन कट करो। यहाँ पे जितना अगर ज्यादा बड़ा क्लस्टर है तो उसको मैं फोर में डिवाइड कर रहा हूँ, अगर आपके पास छोटा क्लस्टर है तो आप उसको दो में कर लो, और अगर आपके पास एक साइड का क्लस्टर तो आपको जरूरत भी नहीं है, अगर आपको कट करना है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो जरूरी नहीं आप कट करो। लेकिन अगर आपका क्लस्टर बड़ा है, लेट से यहाँ पे ये होगा अराउंड 40-50 साइट्स का, तो ये मैं इसको फोर पार्ट में कट कर रहा हूँ। तो फोर पार्ट में कट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने फोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद एक पेंसिल का सिंबल है टॉगल एडिटिंग, टॉगल एडिटिंग में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक पॉलीगन का सिंबल इनेबल हो जाएगा यहाँ पे, ऐड पॉलीगन फीचर, राइट। आपको इस पे क्लिक करना है। अब आप इस क्लस्टर को पॉलीगन में डिवाइड कट कर सकते हो, राइट। तो लेट्स से मैं इसको फोर पार्ट में मुझे कट करना है, तो मैं कैसे कट करूंगा, आपको सेलेक्ट करना है एक पॉइंट पे, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको फोर स्क्वायर पार्ट में कट करने वाला हूँ। तो मैंने इसको स्ट्रेट लिया, फर्स्ट पे क्लिक किया, फिर सेकंड यहाँ पे क्लिक किया, थर्ड मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फोर्थ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट। ये मेरे एक पार्ट में डिवाइड हो गया है, अभी सेव नहीं हुआ है। आपको सेव करने के लिए राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल नेम देना है। आपको ध्यान रखना है फाइल नेम में कोई भी नेम मत डालो, आप कोई अल्फाबेटिकली कोई भी कुछ मत लिखो, सिंपल वन लिखो यहाँ पे आप, राइट। सिंपल वन लिखो, वन लिख करके इसको ओके कर दो, तो जो आपका पहला पॉलीगन है वो सेव हो गया है, वो पॉलीगन जाके यहाँ पे सेव हो गया पुणे के क्लस्टर में CL001 में। अब हम सेकेंड पॉलीगन कट करेंगे द सेम वे, पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आप जब नेक्स्ट पॉलीगन कट करोगे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपका जो पहला पॉलीगन है और जो दूसरा पॉलीगन है उसका कुछ पार्ट ओवरलैप हो, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि मेरा ये वाला पार्ट इससे रिलेट कर रहा है। वैसे इजी है, बट अगर और इजी इजीली तरीके से आप इसको अगर आप एक्यूरेटली कट करोगे तो जो
लेट से अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेटली यहीं से स्टार्ट करूंगा राइट, तो क्या होगा कि जो ये बीच का छोटा सा पोर्शन है वो आपका कट हो जाएगा। आप उसको मर्ज करके देखना पड़ेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ओवरलैप करके कट करो, लेट से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो जो मेरा नेक्स्ट पॉलीगन प्लॉट आएगा उसमें आपको ये क्लियरली दिखेगा कि ये आपका इससे रिलेट कर रहा है राइट। तो जो मेरा सेकंड पॉलीगन है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, थर्ड मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन फोर्थ यहाँ पे क्लिक किया, मेरा ये सेकंड पॉलीगन है। पॉलीगन करने के बाद इसको राइट क्लिक करके इसको मैंने सेकंड नाम टू नाम दे दिया राइट। तो मेरा ये दो पॉलीगन कट हो गया। अब मैं थर्ड पे आता हूँ। थर्ड के लिए मैं थोड़ा सा और ओवरलैप करूंगा यहाँ से इतना, फिर ये कट किया, फिर मैंने यहाँ पे कट किया और फिर ये कट किया, ये मेरा थर्ड पॉलीगन हो गया। राइट क्लिक करके इसको मैंने थ्री नाम दिया हुआ है। सेम वे पे मैं फोर्थ कट करने वाला हूँ। फोर्थ कट में थोड़ा सा मैंने ओवरलैप किया इधर पे, थोड़ा सा ऊपर ओवरलैप किया, थोड़ा सा राइट में ओवरलैप किया, फिर इधर पे लेके आया मैं, और ये मेरा हो गया फोर्थ पॉलीगन। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं फोर्थ के नाम से ओके कर दिया। ठीक है, आपका ये बड़ा क्लस्टर चार पॉलीगन में डिवाइड हो गया है। ये इसका रिपोर्ट में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको क्यों ज़रूरत है इसकी, वो मैं आगे बताऊंगा। मीनवाइल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद आपको पुणे CL001 पे राइट क्लिक करना है, देन एक्सपोर्ट एंड सेव फीचर एज पे क्लिक करके फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे जो आपको चाहिए। लेट से मुझे मैप इन्फो टैब फाइल चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मैप इन्फो टैब फाइल मिल गया है राइट, इस पर क्लिक करना है। फाइल नेम आपका, लेट्स आपको फाइल नेम का ध्यान रखना है, ये आपका फाइल नेम जो है वो जो आपने रखा है वो रख दो आप पुणे CL001 के नाम से राइट। उसके बाद ये करके आपको सेव करना है, बाकी इसमें आपको कुछ और नहीं करना है। आप यहाँ से इसको पाथ दे सकते हो, अगर आप पाथ नहीं दोगे तो ये ऑटो सेव होगा। लेट से मैं इसको यहाँ पे पाथ दे देता हूँ कि मुझे कहाँ पे सेव करना है। मैंने यहाँ फोल्डर बनाया CL001 पॉलीगॉन के नाम से, इसको क्लिक किया और मेरी फाइल का नाम जो है उसको मैंने ओके कर दिया। अभी ये मेरा फाइल नेम का सेव हो गया है राइट। ये होने के बाद फिर मैंने इसको ओके किया, ऐड लेयर कर दो आप, ये आपकी पॉलीगन लेयर्स एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली सेव्ड वेक्टर लेयर टू, इस पाथ पे आपका सेव हो गया है। जैसे आपको सेव होगा आपका जो फॉर्मेट है जो मैंने बनाया हुआ था वो इस तरीके से आ जाएगा। आपका तो लेट से आपने पॉलीगन एंड सेल फाइल डीटी को शेयर कर दिया है। अब उसे करना क्या है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा पॉकेट है राइट, ये मेरा सेशन है MH अकॉर्ड CL001, जो मेरा क्लस्टर आईडी है, वेंडर नेम है एंड सर्किल है, जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है सेशन बना हुआ राइट। अभी मुझे करना क्या है, आपने जो डीटी को सेल फाइल दिया हुआ है और ये क्लस्टर सेल फाइल लेट से आपने शेयर किया है, इस पर लॉन्ग प्रेस करके आप दोनों सेलेक्ट कर लो, मूव टू पॉकेट लॉक फाइल सेशन फोल्डर के अंदर जाकर के यहाँ पे प्लेस करना है राइट। द सेम वे जो आपने पॉलीगन दिया है, पॉलीगन को जो पांच फाइल आपकी बनी है इसको भी मूव करना है पॉकेट लॉक फाइल सेशन यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद फिर आपको आना है यहाँ पे, आपका जो लॉक फाइल अपलोड की स्क्रिप्ट है राइट वो आपको स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद आपकी लॉक फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी, CL_lock_upload के नाम से स्क्रिप्ट है। स्टार्ट करोगे यहाँ पे प्ले बटन आएगा आपके पास लॉक फाइल URNFTP पे, इस तरीके से नंबर ऑफ लॉक फाइल 84 है, 4 5
5, 6, 7, 8 तरह से लॉफ फाइल अपलोड होना शुरू हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेशन फोल्डर जब अपलोड हो रहा है साथ में आपको सेल फाइल भी डालनी है। इस फॉर्मेट में क्रिएट कैसे करना है वो बता दिया मैंने आपको, कैसे फॉर्मेट में बनाना है ये बता दिया है, पॉलीगन कैसे बनाना है आपको वो बता दिया है जीआईएस पे, क्यूजीआईएस पे, और वो आपकी टोटल 2 फाइल इसकी और 5 फाइल आपकी पॉलीगन की बनेगी। वो पांचों फाइल, 5 और 2 7 फाइल आपको सेशन फोल्डर में प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद फिर आपको लॉग फाइल अपलोड की स्क्रिप्ट रन करनी है। इस तरीके से आपकी लॉग फाइल अपलोड होगी। जैसे ही ये लॉग फाइल अपलोड आपकी डन हो जाएगी, यहाँ पे आपका जो 100% हो जाएगा और 84 out of 84 हो जाएगा, FTP आपका चल रहा है यहाँ पे, इस पे लॉग फाइल अपलोड हो रही है। तो आपकी ये लॉग फाइल अपलोड हो गई है, राइट, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे स्क्रिप्ट को आपको स्टॉप कर देना है। जैसे ही लॉग फाइल अपलोड हो जाए 5 सेकेंड वेट करके आप इस लॉग फाइल इसको स्टॉप कर देना है आपको। स्टॉप करने के बाद डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ लॉग फाइल एंड काउंट ऑफ द लॉग फाइल, आपके पास एक रिपोर्ट जनरेट होके आएगी आपके सेम सेशन फोल्डर में, जहाँ पे आपको 5G, 4G, 2G SCFT की रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट जब जनरेट होगी, जो आपने फाइल शेयर किया है वो इस तरीके से, उसमें पॉलीगन प्लॉट आपका पीसर विद पॉलीगन के साथ में आएगा। प्लॉट जो है इस तरीके से, लेट से यहाँ पे 3 पॉलीगन क्रॉप किया है इस क्लस्टर के लिए, पुणे 14 के लिए, तो यहाँ पे 3, एक ये क्रॉप किया हुआ था, दूसरा पॉलीगन ये क्रॉप किया हुआ था, तीसरा पॉलीगन ये क्रॉप किया हुआ था, राइट। तो ये 3 पार्ट में कट होके आपके पास रिपोर्ट्स आ जाएगी। साथ में और भी बहुत सारे आपके रिपोर्ट ऑटोमेशन में एडवांस चीज़ें एडेड हैं, जैसे आपके जो भी इवेंट फिलर हुए हैं, लेट से KPI नंबर 27, 28, 29 के लॉग फाइल नेम है आपके, जहाँ पे भी फिलर हुआ है उसके लॉग फाइल नेम है, राइट। इसी तरीके से आपका नीचे आप आओगे तो KPI नंबर, ये डेटा सेशन ड्रॉप का है, 4G का अलग है, 5G का अलग है। KPI नंबर 30, 31 की लॉग फाइल नेम ये है, 27, 28, 29 ऊपर था, राइट। और फिर डेटा सेशन ड्रॉप आपका जो है, डेटा सेशन 4G का लॉग फाइल नेम अलग है, 5G का भी आपके पास सेपरेट दिया हुआ है, ये 5G डेटा सेशन ड्रॉप यहाँ पे हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे लॉग फाइल नेम नहीं आया हुआ है। साथ में आपका जो आपने ड्राइव टेस्ट किया हुआ है, राइट, उसके लॉक्स का, लॉक्स ओरिजिन ओरिजिनेशन का प्लॉट है, लेट से आपको XYZ कोई प्लॉट का दिख रहा है, यहाँ पे कवरेज पुअर है, लेट से ये वाला जो एरिया है आउटर बाउंड्री पे, यहाँ पे मुझे आसपास साइडें दिख नहीं रही है, सिंस ये 1 किलोमीटर का ग्रिड है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हो सकता है कि, एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ XYZ प्रॉब्लम है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कलरिंग से कि मेरी ये जो इस कलर की लॉग फाइल कौन सी है, और उस कलर की लॉग फाइल को आपको रीड्राइव करवा सकते हो आराम से। डीएल लॉन्ग का ये प्लॉट है आपका, लॉक्स का, यूएल का प्लॉट आपका, लॉक्स का ये है, ये चीजें एडेड है। साथ में आपको इसमें विद इन विदाउट गूगल मैप के साथ में आपको ये रिपोर्ट्स है, इसमें विदाउट गूगल मैप में थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल और क्लियर प्लॉट है विदाउट गूगल मैप, विद गूगल मैप में भी आपको दिखेगा रूट्स रूट्स कौन से हैं, कहाँ पे ड्राइव हुई है, कहाँ पे नहीं, एरिया कौन सा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। साथ में आपको PCI का एक्सपोर्ट, डीएल लॉन्ग का एक्सपोर्ट, यूएल लॉन्ग का एक्सपोर्ट, ये CSV शीट है जो आपकी डीएल लॉन्ग और यूएल लॉन्ग से निकली हुई है, और PCI जूम प्लॉट तो है ही, साथ में कितने किलोमीटर ड्राइव टेस्ट हुआ है वो पार्ट यहाँ पे भी एडेड है। तो इस तरीके से प्रोसेस करना है, और आपकी रिपोर्ट मैक्स टू मैक्स 1 to 1.5 आवर में आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, अगर लॉग फाइल साइज आपका अराउंड 1 GB और 1000 के अराउंड आपका अगर लॉग फाइल काउंट है तो, राइट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।